हेलो दोस्तों, आज हम ह्यूमंस अर्थ की सबसे सक्सेसफुल स्पीसीज हैं जो इस दुनिया पर राज कर रहे हैं। ये पॉसिबल हुआ इवोल्यूशन की वजह से, जिसमें हमारा ब्रेन दुनिया के किसी भी स्पीसीज से सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ और इंटेलिजेंट बना। और फिर इसी ब्रेन की मदद से हम ह्यूमंस आज यहाँ तक पहुँच सके हैं। हमने दिमाग का यूज करके हमेशा से खुद को इम्प्रूव किया है, चाहे वो शुरुआती ह्यूमंस के टूल्स हों या मॉडर्न ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस वगैरह का यूज़ करके हम वो सब कर पा रहे हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ह्यूमन इंटेलिजेंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया, रोबोट्स बनाए, और इन सब से हमारी लाइफ आसान हो रही है। पर दोस्तों, मूवीज सब में ऐसा डर दिखाया जाता है कि एक दिन रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम ह्यूमंस पर ही राज करने लगेंगे और हमारी ह्यूमन प्रजाति को ख़त्म कर देंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसा होगा इसके चांसेस तो बहुत कम है, पर इसके बदले ऐसा होने का ज़्यादा चांस है कि फ्यूचर में दो टाइप्स के ह्यूमन हो जाएं, एक नॉर्मल ह्यूमंस हमारी तरह और दूसरे ऐसे ह्यूमंस जो टेक्नोलॉजी और मशीन से मर्ज होकर के खुद को इम्प्रूव करके साइबॉर्ग बन जाएं, जो नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज़्यादा एडवांस हो, जैसे हमसे बेहतर विजन, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हमसे ज़्यादा फास्ट। तो क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों हाँ, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। और साइबॉर्ग्स फ्यूचर ही नहीं, रियलिटी भी है। अभी अर्थ पे ऐसे कई लोग हैं जो साइबॉर्ग हैं। मशीन हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम ह्यूमंस के बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे, जिसे साइबॉर्ग का नाम दिया गया है। साइबॉर्ग यानी साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब वो इंसान जिसने खुद के बॉडी के कुछ पार्ट्स को मशीन की मदद से मॉडिफाइड कर लिया है और उनकी नॉर्मल बॉडी और ब्रेन मशीन के साथ मिलकर काम कर रही है। दोस्तों, वैसे तो हम साइबॉर्ग को दो टाइप में बांट सकते हैं। एक तो साइबॉर्ग जो हम सब हैं, जो डेली स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच ये सब को यूज़ करते हैं। इस तरह से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं और उन लोगों से आगे हैं जो इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। पर खुद को हम साइबॉर्ग कह तो सकते हैं, पर हम रियल साइबॉर्ग नहीं हैं। तो रियली में साइबॉर्ग वो हैं जिनके बॉडी में मशीन एक्चुअली इम्प्लांटेड है। तो ह्यूमन के बॉडी में मशीन का इस्तेमाल दो टाइप में किया जा सकता है, चाहे ह्यूमंस की किसी डिसेबिलिटी को दूर करना हो या फिर ह्यूमंस की एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना हो। पहले डिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो इसमें इंसान की जान बचाने के लिए किए हुए इम्प्लांट्स, जैसे पेसमेकर वगैरह, या फिर किसी इंसान के किसी कमी, जैसे किसी ने अपना हाथ खो दिया या फिर पैर खो दिया, तो अगर वो बायोनिक आर्म या लेग इम्प्लांट करवाते हैं जो उनके नर्व या मसल्स मूवमेंट से काम करे, यानी कि वो उसे कंट्रोल कर सके, तो वो साइबॉर्ग कहलाएंगे। ऐसे कई बायोनिक आर्म्स और लेग्स हैं जो काफ़ी एडवांस हैं, जिसमें सेंसर्स होते हैं जो मसल्स, टेंडन्स और नर्व्स के इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैच करते हैं और वैसा ही मूवमेंट करते हैं जैसा कि कोई असली हाथ या पैर करता। ये सब उनकी डिसेबिलिटी को दूर करता है, जैसे कोई दोबारा माउंटेन पर चढ़ने का सपना पूरा कर सकता है। तो वही ये साइबॉर्ग इम्प्लांट ह्यूमन को नॉर्मल से ज़्यादा बेहतर भी बना सकता है। जैसे एक है जेसन बार्न्स, जो म्यूजिक ड्रमर हैं, जिसने अपना हाथ खो दिया, तो अब वो रोबोटिक हाथ लगाकर साइबॉर्ग बन चुके हैं और अब वो अपने नए हाथ से ऐसे नए नए तरीके से ड्रम बजा सकते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन हाथों से पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस तरह से साइबॉर्ग इम्प्लांट ह्यूमन की डिसेबिलिटी को दूर कर सकता है और यहाँ तक कि उनको और ज़्यादा बेहतर बना सकता है नॉर्मल ह्यूमन से। जैसे कोई प्रोस्थेटिक लेग अगर एक साइबॉर्ग को नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट दौड़ने का फीचर दे सकता है, तो वो इम्प्रूवमेंट होगा। अब इसी इम्प्रूवमेंट में और भी साइबॉर्ग्स का एग्जांपल लें, तो उसमें से एक है नील हार्बिसन, जो बचपन से ही एक्सट्रीम कलर ब्लाइंड थे, जिनके लिए पूरी दुनिया ब्लैक एंड वाइट थी। तो दुनिया के कलर्स को फील करने के लिए वो पहले ऐसे साइबॉर्ग बने जिसने डायरेक्ट ब्रेन में मशीन इम्प्लांट कराया, जो कि एक एंटीना है जो डायरेक्ट उनके ब्रेन से अब परमानेंटली कनेक्टेड है। और इसमें एक सेंसर लगा हुआ है जो सारे कलर्स का एक ऑडिबल वाइब्रेशन उनके ब्रेन को देता है, जिसे वो फील करते हैं, यानी कि वो कलर्स को अब देखते नहीं बल्कि सुनते हैं। और अब उनका ब्रेन और वो एंटीना इतने अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं कि अब उनका दिमाग आसानी से कलर्स को फील कर सकता है, और ऐसे कलर्स भी जो हम ह्यूमंस के देखने के रेंज से बाहर हैं। इसके अलावा उनका एंटीना इंटरनेट से भी कनेक्टेड है और डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसी ह्यूमन इम्प्रूवमेंट की और बात करें, तो रिसर्चर्स ने एक ऐसा साइबॉर्ग आई बनाया है जो बिल्कुल रियल आंखों की तरह काम कर सकता है, और कई फीचर्स में ये हमारी नॉर्मल आंखों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अब सोचिए, इसी तरह टेक्नोलॉजी और एडवांस होती गई तो फ्यूचर में साइबॉर्ग कैसे होंगे?
तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो अब ये ह्यूमंस के पोटेंशियल को और बढ़ाने का ही काम करेगी। अभी जैसे 2020 में हम अपने गैजेट्स को अपग्रेड करते हैं, तो उसी तरह फ्यूचर में ह्यूमंस अपग्रेड होंगे। इसको अनलॉक करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे ब्रेन और मशीन के बीच में कनेक्शन बनाना, कि हमारा ब्रेन और मशीन बिल्कुल ऐसे काम करे जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स और ब्रेन मिलकर करते हैं। इसे कहते हैं BMI, यानी ब्रेन मशीन इंटरफेस, यानी मशीन और ब्रेन के नर्व्स का डायरेक्ट कनेक्शन। इस पे कई कंपनी काम कर रही है, जैसे इलोन मस्क की न्यूरालिंक। इस पे कुछ दिनों पहले ही इलोन मस्क ने एक प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें न्यूरालिंक का डिवाइस एक सुअर के दिमाग में इम्प्लांट किया गया, जो उस सुअर के ब्रेन का सिग्नल स्क्रीन पर दिखा रहा था कि दिमाग के नर्व्स कैसे हर चीज़ पर रिस्पॉन्स करते हैं। तो अगर साइंस इस नर्व सिग्नल को पूरी तरह से समझने में कामयाब हो गया तो इससे साइबोर्ग ह्यूमन फ्यूचर पॉसिबल हो जाएगा। इस तरह से ब्रेन मशीन इंटरफेस की मदद से मशीन डायरेक्ट हमारे दिमाग को सिग्नल भेज सकेगी और हमारे दिमाग का सिग्नल समझ सकेगी। उसके बाद तो साइबोर्ग की पॉसिबिलिटी लिमिटलेस है। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, जैसे कोई साइबोर्ग भारी वजन उठा सकता है, तेज दौड़ सकता है, जंप कर सकता है, यानी कि बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। और ये रियल लाइफ में भी अब पॉसिबल हो सकता है। अभी 2020 में कुछ गिने चुने साइबोर्ग्स हैं, तो फ्यूचर में कई सारे साइबोर्ग्स होंगे। पर दोस्तों, इसके कुछ निगेटिव साइड्स भी हैं। जैसे मान लें कि फ्यूचर में कुछ लोग अगर साइबोर्ग्स बनते हैं, तो इस तरह से साइबोर्ग्स ह्यूमन एक तरह से नॉर्मल ह्यूमन से बेहतर होंगे, और इस तरह से नॉर्मल इंसानों के लिए ये डेंजरस होगा, क्योंकि साइबोर्ग इंसान उनसे ज़्यादा पावरफुल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जहां नॉर्मल इंसान पढ़ के सब कुछ सीखते हैं, वहीं साइबोर्ग बस अपने ब्रेन इम्प्लांट में नॉलेज डाउनलोड कर लेंगे। ये सब आपको अभी इम्पॉसिबल लग सकता है, पर अभी जो कुछ भी है वो 50 साल पहले भी इम्पॉसिबल ही लगता था। तो इस तरह से साइबोर्ग्स ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमंस के लिए डेंजरस भी हो सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि फ्यूचर में रोबोट्स ह्यूमन के खिलाफ नहीं जाएंगे, बल्कि इंसान ही इंसान के खिलाफ जाएंगे, जो एक साइबोर्ग्स होंगे और एक नॉर्मल इंसान होंगे। इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के अलावा इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी खतरा है। सोचिए, अगर कोई साइबोर्ग आई के कॉन्टैक्ट लेंसेस से अगर सब कुछ रिकॉर्ड कर सके, तो ये किसी के भी प्राइवेसी के लिए डेंजरस होगा। ये सब देख के ब्लैक मिरर के एपिसोड्स की याद आती है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे भविष्य में एडवांस टेक्नोलॉजी इंसानियत के खिलाफ जा सकती है। जैसे ये जो मैंने बताया आंखों से रिकॉर्ड करने वाला, उसी तरह और एपिसोड्स हैं जैसे क्रोकोडाइल, जिसमें किसी का भी मेमोरी उनके दिमाग से एक्सेस किया जा सकता है। तो दोस्तों, ह्यूमंस का साइबोर्ग बनना ह्यूमैनिटी की डिसेबिलिटी ख़त्म करने का और उनकी पोटेंशियल को और ज़्यादा इम्प्रूव करने का सबसे बेहतर चांस है। पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हैं, जैसे बेहतर विज़न, नाइट विज़न, ऑगमेंटेड विज़न, पावरफुल एग्जोस्केलेटन, इंटरनेट कनेक्टेड टू ब्रेन, और भी कई सारे पॉसिबिलिटीज़ जो एंडलेस हैं। पर उसी तरह साइबोर्ग ह्यूमैनिटी के लिए खतरा भी हो सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल होंगे। और लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था, जब ह्यूमंस की दो स्पीसीज टकराई थी, होमो नियंडरथल और होमो सेपियंस, तो उसमें से एक ही बचा, जो हम हैं, होमो सेपियंस। पर फ्यूचर में हम पर भी खतरा हो सकता है अगर हमसे भी कोई पावरफुल आ जाए। तो अगर फ्यूचर में उस टाइम बेहतर नियम और कानून साइबोर्ग्स के लिए बनेंगे, तो शायद ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जैसे कि कोई नियम बने कि साइबोर्ग सिर्फ डिसेबिलिटी ख़त्म करने के लिए बन सकते हैं, खुद को इम्प्रूव करने के लिए नहीं, जिससे उन्हें अनफेयर एडवांटेज ना मिले। तो दोस्तों, आप बताइए, आप किस साइड में हैं? क्या ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी का मर्जर करके ह्यूमंस को खुद को इम्प्रूव और इन्हेंस करना चाहिए? क्या आप फ्यूचर में साइबोर्ग बनना चाहेंगे, या फिर ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी अलग अलग ही ठीक है? आपकी क्या राय है, बताइए कमेंट्स में। तो दोस्तों, आई होप कि साइबोर्ग पे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।